मेरे सेयन वॉरियर्स, आज की इस एक्सट्रीमली रिक्वेस्टेड वीडियो में हम कुछ बहुत ही कमाल के स्कूल और कॉलेज के फैशन हैक्स और इजी स्टाइल अपग्रेड्स को डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट मी, उस एवरीडे स्कूल यूनिफॉर्म को और कॉलेज के बोरिंग कपड़ों को आज हम एक सीरियस अपग्रेडेशन देने वाले हैं। और वीडियो के बिल्कुल एंड की बोनस टिप में सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज और स्कूल की लाइफ एडवाइस भी डिस्कस करेंगे। हर एक चीज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर करूंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब देखो, अगर आप स्कूल में हो या फिर आप कोई ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे यूनिफॉर्म चलती है, तो उस केस में थोड़ा स्टैंड आउट करने के लिए आप एक्सेसरीज का काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे आप कोई डिसेंट लुकिंग वॉच पहन के जा सकते हो, वो आपके स्टाइल को अपग्रेड करेगी। आप एक एलिगेंट बैकपैक जो कि थोड़ा लेदर लुक अलाइक हो, वो कैरी कर सकते हो। या फिर अगर आपके अलाउड हो तो आप कोई भी एक सोबर सा दिखने वाला ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म में जो टाई होती है, वो हर स्कूल या कॉलेज की बहुत ही डिफरेंट सी अतरंगी सी होती है, इसलिए उस पे सबसे पहले ध्यान जाता है और वही ज्यादातर लोगों की बिगड़ी भी रहती है। इसलिए आपकी टाई की नॉट सही शेप की और सेंटर में रहनी चाहिए। प्लस आपकी टाई की जो लेंथ होगी वो आपके बेल्ट के बक्कल तक आनी चाहिए। इसके साथ अगर आप प्रेफर कर सके तो आप फुल स्लीव की शर्ट्स प्रेफर करना ओवर हाफ स्लीव्स की शर्ट्स। आप स्किनी है तो वो आपके पतले हाथों को छुपाएगी। स्लीव्स को अगर आप रोल अप करके पहनोगे तो वो भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। और आपके हाथ थोड़े ज्यादा हेयरी हैं तो वो भी छुप जाएंगे उससे। कैजुअल कपड़ों में तो कभी बैगी कपड़ों का फैशन आ जाता है, कभी वेल फिटेड कपड़ों का, लेकिन फॉर्मल कपड़ों में हमेशा वेल फिटेड कपड़े ही अच्छे लगते हैं। इसलिए आप अपनी यूनिफॉर्म को अपनी फिजिक के हिसाब से सिलवाएं, या फिर अगर स्कूल कॉलेज वाले रेडीमेड देते हैं तो उसको ऑल्टर करवाएं। आप हमेशा ये ट्राई करें कि आपके शर्ट के बटन्स, बेल्ट का बकल और पैंट का जिपर एक ही लाइन में हो। इसे गिग लाइन भी बोलते हैं और इससे आपकी यूनिफॉर्म काफी वेल पुट टुगेदर लगती है। फॉर्मल शूज भी काफी सारी शेप्स के आते हैं, बट आपको एक डिसेंट लुकिंग और वेल पॉलिश्ड और क्लीन शू कैरी करना है रोज, जो कि किडिश भी नहीं लगे और अजीब सा भी नहीं दिखे। ऐसे शू का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इन सब के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको मोस्ट ऑफ द बंदों से सेपरेट करेगी, वो है एक तो अच्छा स्मेल करना, जिसके लिए आप रोज नहाने के बाद परफ्यूम्स या फिर पाउडर यूज कर सकते हैं। मोस्टली स्कूल या कॉलेज के बंदों के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है, इसलिए रोज टंग क्लीन करें ब्रश करने के साथ। आप अपनी जेब में सौंफ या इलायची भी रख सकते हैं। आपको जब भी ऐसा फील हो कि मुंह से स्मेल आ रही है, आप उनको खा लें। और घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि इसी एज में केयरलेसनेस की वजह से बंदों की सबसे ज्यादा स्किन टैन होती है। और प्लीज, अगर आपकी बकरा दाढ़ी या फिर आधी अधूरी मूछें आती हैं, तो उसको आप ट्रिम कर लो, वेल ग्रूम्ड बन के रहो। आप सारी चीजें सही कर लोगे, फिर भी वो एक छोटी सी चीज सब कुछ बिगाड़ देती है। और प्लीज हर 20 से 25 दिन में हेयर कट्स लो। बेस्ट हेयर स्टाइल्स फॉर बॉयज की वीडियो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। अब हम कॉलेज जहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म नहीं चलती है या फिर ट्यूशन के फैशन हैक्स की बात करते हैं। फर्स्टली हम शूज की बात करें, तो इधर आप फॉर्मल शूज, चप्पल्स या फिर सैंडल्स डेली वेयर के हिसाब से कभी भी नहीं पहनेंगे। आप कैजुअल लोफर्स, कोई भी एक डिसेंट ब्रांड के स्केट शूज या फिर एथलीजर शूज प्रेफर कर सकते हैं, जिनके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टॉप वेयर की बात करें तो देखो, टी शर्ट सिंपल वाली तो हर कोई पहन रहा है, आप इनको और फैशनेबल बनाने के लिए फुल स्लीव की टी शर्ट, वो भी डुअल कलर की पहन सकते हो। बहुत ही सही प्राइस में पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 5 की आपको मिल जाएंगे। आप वर्सेटाइल पोलो टी शर्ट या हेनली टी शर्ट भी पहन सकते हैं, जो चीनोज या फिर जीन्स दोनों के साथ अच्छे लगते हैं। शर्ट्स में सबसे पहले आपको चेकर्ड शर्ट प्रेफर करनी है, क्योंकि सोलो पहनने के अलावा अगर आप उनको लेयरिंग करके पहनोगे तो भी वो ज्यादा रिच लगती है। इसके साथ प्लेन ब्लैक और प्लेन व्हाइट शर्ट तो एवर ग्रीन मानी जाती है, बट उनको एक हल्का सा अपग्रेड देने के लिए आप मैंडरिन कॉलर शर्ट्स प्रेफर कर सकते हैं। बॉटम वेयर में आप बिल्कुल सॉलिड जीन्स पहन सकते हैं या फिर बिल्कुल मिनिमम डिस्ट्रेसिंग वाली जीन्स पहनना, बट अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप जीन्स जैसे दिखने वाले जॉगर्स पहन सकते हैं, जो जॉगर्स जैसे कंफर्टेबल लेकिन जीन्स जैसे दिखते हैं। लेकिन आप कार्गो पैंट्स भी पहन सकते हैं, जो शर्ट और टी शर्ट दोनों के साथ अच्छी लगती है, बट ध्यान रहे वो क्रेजी कलर्स की नहीं हो, बिल्कुल सटल और सोबर हो। आप अपना थोड़ा एवरीडे लुक चेंज करने के लिए चीनोस भी पहन सकते हैं, जो कि आपके कॉलेज के किसी स्पेशल इवेंट में भी काम आ जाएंगे। विंटर्स के हिसाब से जैकेट्स की बात करें अब हम, तो नॉर्मल स्वेट शर्ट्स, हुडीज, बॉम्बर जैकेट्स हर कोई पहन रहा है। आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए साइड स्ट्राइप्ड हुडीज या फिर जैकेट्स पहन सकते हैं। अच्छे से हुडीज के साथ लेयर करके डेनिम जैकेट भी पहन सकते हो, जो कि अभी काफी ट्रेंड में भी है। एक और जैकेट ट्रेंड यानी कि शैकेट आप पहन सकते हैं, जो कि शर्ट और जैकेट की एक हाइब्रिड है। या फिर मेरी फेवरेट, आप कोई भी एक ऐसी जैकेट पहन सकते हैं जो वार्सिटी जैकेट के लुक अलाइक हो, यानी कि जिसके कॉलर्स में और हाथों में ट्रिम्स हो और वो 2 या 3 कलर के हो। ये ट्रेंड अभी काफी हॉट है, आपको एक सीरियस स्टाइल बूस्ट देगा, इसलिए इसका जल्दी से फायदा उठा लो। एक्सेसरीज के लिए आप अगेन लेदर लुक अलाइक बैग, जो कॉलेज में भी काफी अच्छा लगता है, कोई भी एक राउंड डायल की अच्छी सी
की वॉच, उसके साथ आप हल्की फुल्की बीडेड ब्रेसलेट या मेटल ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ओवर एक्सेसराइज मत करना। इसके साथ आप एडिशनल सन प्रोटेक्शन के लिए सनग्लासेस या फिर कैप्स भी पहन सकते हैं। और इधर भी आप ग्रूमिंग का ध्यान रखना, अपने फेशियल हेयर्स को अच्छे से ट्रिम करना, और प्लीज हेयर प्रोडक्ट्स को भी बहुत ही ओकेजनली यूज करना, रोज बिल्कुल भी यूज मत करना। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की स्कूल और कॉलेज की लाइफ एडवाइस के लिए, स्कूल या कॉलेज लाइफ में आप जरूर से किसी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में, किसी कॉम्पिटिशन में, किसी फेस्ट में जरूर से पार्ट लें। उससे स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, माइंड डेवलप होता है, प्लस न्यू एक्सपीरियंसेस तो है ही। इसके साथ आप कोई भी अपनी मन पसंद की हॉबी जरूर ट्राई करें, भले ही फिर वो डांसिंग हो, गिटार हो या फिर कोडिंग हो। एक बार स्कूल या कॉलेज खत्म हो जाता है फिर आपको न के बराबर टाइम मिलता है और आप लाइफ टाइम यही रिग्रेट करते हुए रह जाते हो कि मैंने क्यों नहीं सीखा वो। थर्डली पढ़ाई पे जरूर से ध्यान दो यार। हाँ मुझे पता है बहुत ज्यादा जेनेरिक और क्लीशे एडवाइस है, बट सही में इंडिया में अभी जॉब्स का हाल बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए एज अ बिग ब्रदर बता रहा हूँ आपको, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। इसी एज में लुक्स को लेके, फैमिली बैकग्राउंड, हाइट, कई टाइप की इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाती है। बट आप सब चीजों को छोड़ो, बस मेरी बात मान के तीन चीजों पे ध्यान दो। एक है फिटनेस, दूसरा है ड्रेसिंग वेल, और तीसरा है सेल्फ अवेयरनेस। ट्रस्ट में आपकी आधी से ज्यादा लाइफ सफल है। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, बी योरसेल्फ। बिल्कुल भी यस मैन मत बनो, अपने आप से ट्रू रहो। और तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लो, तुम्हारा भाई है हेल्प करने के लिए। अगर आपको सेलिब्रिटी ग्रूमिंग रूटीन वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट बॉक्स पे क्लिक करना, और लो बजट एक्सेसरीज वाली वीडियो के लिए राइट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो।